अक्षय कुमार की नई फिल्म बच्चन पांडे का फर्स्ट लुक किया गया है अनवेल एंड कहा जा रहा है कि ये होगी क्रिसमस 2020 को रिलीज, जबकि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा इज ऑल्सो स्लेटेड टू रिलीज ऑन द सेम डेट। वेल, मोर न्यूज ऑन दिस कमिंग राइट अप। अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म बच्चन पांडे का फर्स्ट लुक रिवील किया है, साथ ही उन्होंने अनाउंस किया है कि उनकी फिल्म साल 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आमिर खान ने पहले ही इस डेट पर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को रिलीज करने की अनाउंसमेंट की है। Well, more than the clash, यहाँ पर we have to take a second and we have to take in जो बच्चन पांडे का पोस्टर आया, because this 51-year-old man who's Akshay Kumar doesn't look like that in that poster. I mean, we have no idea कि भाई movie किस पे बनने वाली है, what is the storyline accordingly. लेकिन ये जरूर पता है कि ये वीरम तमिल movie का remake है and it's going to be the storyline is going to be according to that. लेकिन nothing else was shared about the Sajid Nadiadwala's movie until this poster came out, क्योंकि पहले शाहरुख खान का नाम सामने आ रहा था, विकी कौशल का नाम सामने आ रहा था। नाउ वी फाइनली नो दैट अक्षय कुमार इज गोइंग टू बी डूइंग दिस मूवी। एंड टॉकिंग अबाउट द क्लैश, दैट भाई एक तरफ लाल सिंह चड्ढा है विच इज द रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप, अगेन वन ऑफ द बेस्ट, आई मीन वन ऑफ दोज क्लासिक्स ऑफ यू नो ऑफ हॉलीवुड मूवीज जो रीमेक हो रही है। एंड ऑफकोर्स आमिर खान इज ट्राइंग टू डू दैट, इट इज बिग शूज टू बी फिल्ड इन। बट आई हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद हाउ द ट्विटर फैंस हैव रिएक्टेड टू दिस, बिकॉज Twitter पे it's war of words that has started. So let's just begin with that कि भाई क्या reactions रहे हैं इस news के। Vivek Sharma has said that wait for some time, Akshay starrer Bachchan Pandey will politely shift its date to avoid clash with Lal Singh Chadda, like it happened with Suryavanshi. This is his marketing gimmick to initially garner eyeballs and then earn brownie points by shifting date. But ye bhi ek ho sakta hai. Vicky Kumar says, now we are not a kid, clash between the two superstars are never going to happen. It is just a way to promote movies before releasing. At the end, one of the superstars will change their releasing date. Stop fooling us. Ooh. And somebody else also says, not good for both the superstars. I think this clash will also be avoided, like the ones that we've seen happening in the past. Malhari says, instead of looking at it as a clash, think of it as that we the audience get to enjoy two amazing movies at the end of the next year, Lal Singh Chadda and Bachchan Pandey, and neither have a specific date. There is room for both, just like Zero and Simba released a week apart. This is good times, and I feel like well said. Yeah. We understand कि भाई या तो ये promotional activity है या फिर somebody or the other is going to come and make a sensible decision of actually putting them apart. Even if it's a week apart, it's still a win-win for both of them. Yeah. And three, nobody wants to share a big weekend. We have seen this time and again. Yeah, but if you look at it, you know, 2008, 2009 और ऐसे कई साल रहे हैं जहाँ पर आमिर खान की फिल्म्स क्रिसमस पर रिलीज हुई हैं एंड बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई हैं, अपार्ट फ्रॉम थग्स ऑफ हिंदुस्तान विच वॉज नॉट एक्चुअली यू नो काइंड ऑफ फिल्म आमिर खान रियली वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट। एंड शायद यही वजह है कि लाल सिंह चड्ढा जो है उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है टू मेक श्योर दैट ही एक्सेल्स इन दिस प्रोजेक्ट। एंड ऑफकोर्स उनके साथ करीना कपूर खान दिखाई देने वाली हैं, तो जो स्टार पावर की अगर हम बात करते हैं फिल्म में, वो आपको लाल सिंह चड्ढा में तो नजर आने ही वाली है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट आवर वेरी ओन अक्षय कुमार इज इन द अदर फिल्म। फरहाद सामजी इज गोना बी डायरेक्टिंग दिस फिल्म, ऑल्दो अभी तक फीमेल लीड के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव अक्षय कुमार तो उसके साथ में एक बड़ा नाम डेफिनेटली शामिल हो सकता है। एंड साजिद नाडियाडवाला इज प्रोड्यूसिंग द फिल्म, तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म का जो स्केल है वो काफी ग्रैंड होगा। एंड जैसे फॉरेस्ट गंप के ऊपर बेस्ड है लाल सिंह चड्ढा, वैसे ही यू नो 2014 की एक काफी बड़ी हिट तमिल फिल्म के ऊपर बेस्ड है बच्चन पांडे। एंड दिस इज द फिल्म वेयर अक्षय कुमार इज मेकिंग हिज सॉर्ट ऑफ अ कमबैक इन द राउडी राठौर स्पेस। वेल एग्जैक्टली, बहुत ही अलग दो जॉनर्स होने वाले हैं, दोनों जॉनर्स की इन दोनों सुपरस्टार्स की बहुत स्ट्रांग पकड़ है। आई मीन ऑडियंसेस वांट देम, लाइक जहां पर आमिर खान को वो एक्सपेरिमेंट करते हुए देखना चाहते हैं एंड टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक फॉरेस्ट गंप, वहीं पर अक्षय कुमार इन दैट होल राउडी अवतार इन दैट लुंगी विच ही, एंड इट्स ऑल्सो सेड दैट देयर विल बी सम कॉमिकल यू नो side to this character also, and people love that side of Akshay Kumar. So ye dono apne best avatars mein samne aa rahe hain, which have been seen in the past to do wonders at the box office, but
क्लैश होगा कि नहीं होगा रुचिता, दैट आई थिंक द ऑडियंस नोज बेटर राइट नाउ, इवन मोर देन द क्रिटिक्स, कि उनको भी पता है कि यार ये क्लैशेस की बातें जब आती हैं, इट्स गुड टू क्रिएट दैट रकर्स, इट्स गुड टू क्रिएट दैट लिटिल मोमेंटम कि यार लेट्स शेक थिंग्स अप. बहुत बोरिंग होगा अगर हमने एक वीकेंड ले लिया और आपने वीकेंड ले लिया, थोड़ी टक्कर वक्कर की बात करते हैं, बट अल्टीमेटली आई थिंक एवरीबडी इज सेंसिबल इनफ टू चूज देयर वीकेंड सो दैट देयर इज नो ओवरलैप एंड ऑडियंसेस गेट टू एंजॉय देयर मूवीज व्हिच आर वेल मेड एंड वेल रिटन.